अभी चंद दिन पहले सारे मुसलमानों को एक अजीम खुशखबरी अता फरमाई। वो खुशखबरी ऐसी है कि उसके तसव्वुर ही से अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान के रूह मसरूर है। और वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अफगानिस्तान में हमारे तालिबान भाइयों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो फतह मुबीन अता फरमाई और उनके जरिए इतनी बड़ी सुपर ताकत अमेरिका, और सिर्फ अमेरिका नहीं, उसके साथ 27-28 ममालिक की फौजें जिनसे वो 20 साल से नबरदाजमा थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जलील और रुसवा किया और ईमान वालों को, तालिबान को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खिलाफ नुसरत अता फरमाई। और ऐसी नुसरत अता फरमाई कि जिसने तमाम अंदाजों को फेल कर दिया, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, तमाम सुराग रसा इदारे और अमेरिका की वो सुपर पावर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको हर हर लम्हे की खबर उसके पास मौजूद है, उसके सारे अंदाजे, उसके सारे मंसूबे, उसके सारे इरादे वो तालिबान की इस फतह के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुए। न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि जलील हुए और रुस्वा हुए। अल्लाह ताला उनके हाथों को, उनके हाथों इतनी बड़ी ताकतों को रुस्वा किया, जलील किया और उनको फतह मुबीन अता फरमाई। लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हों और मगरबी ताकतों से मरऊब होकर डर कर बैठे हों और अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको लाकर काबुल में बिठा दिया हो, बल्कि इसके पीछे 20 साल की जिद्दोजहद है, 20 साल की कुर्बानियां हैं, 20 साल तक उन्होंने जिस अज़्म व सबात और जिस वलवले के साथ दुनिया की इस सुपर ताकतों का मुकाबला किया। उनके पास साजो सामान थे, उनके पास लाओ लश्कर थे, उनके पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी और इनके पास अगर देखा जाए तो इनके पास फजाई ताकत भी नहीं थी, इनकी कोई एयरफोर्स भी नहीं थी कि जो कहीं बमबारी, उन पर बमबारियां की जा रही थी, ये बमबारी करने के इनके पास वसाइल नहीं थे। लेकिन 20 साल तक उन्होंने जिस अज़्म व सबात के साथ मुकाबला किया और जिस तरह उन्होंने अपनी ईमानी कुव्वत के जरिए इन तमाम बातिल ताकतों के आगे वो डटे रहे, अल्लाह ताला ने उसका सिला उनको आज अता फरमाया कि आज सारी दुनिया अंगुश बदंदा है, हैरत में है कि किस तरह वो कामयाब हुआ।